हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज ऑफ मैथ 3.8। एज यू कैन सी, दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक। ओपन इट नाउ। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 3, ऑपरेशन ऑन द लार्ज नंबर। फर्स्टली सी द एडिशन। सो एडिशन, जैसे हम स्मॉल नंबर का करते हैं, ऐसे ही हम लार्ज नंबर का भी एडिशन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्टली हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं एडिंग करना। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। आपको यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 25,18,971 एंड 43,76,825। सो इसको हमें प्लस करना है। प्लस करते समय हमें कॉलम्स का ध्यान रखना होता है बेटा, कि वंस के नीचे हमें वंस प्लेस ही रखना है, टेंस के नीचे टेंस प्लेस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, सिमिलरली थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक एंड टेन लैक। ओके, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है एंड वंस प्लेस से हम एडिंग करना स्टार्ट करते हैं। नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अगर हम एडिशन करते समय किसी भी ऑर्डर में अगर हम एडिशन करते हैं तो आंसर हमारा सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, 4,560 को प्लस करेंगे 3,215, सो हमारा आंसर क्या आता है, 7,775। नाउ अगर हम 3,215 को पहले लिखे, देन प्लस करें 4,560, तब भी हमारा आंसर सेम होगा। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आप देखेंगे इसकी, जब हम किसी नंबर में वन प्लस करते हैं, इट मींस वो उसका सक्सेसर होता है। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे, 1,450 में वन प्लस किया, मीन्स 1,450 का सक्सेसर क्या हो गया बेटा, 1,451। ओके, नाउ थर्ड आप देखेंगे, अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर आता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 9,878 में हमने ज़ीरो प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया, सेम वही नंबर आया, 9,878। ओके, नाउ सी सब्ट्रैक्शन। जैसे हम स्मॉल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे ही हम लार्ज नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम वही हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना होता है सब्ट्रैक्शन, बट कॉलम्स का हमें ध्यान रखना होगा। वंस के नीचे वंस के डिजिट होंगे, टेंस के नीचे टेंस, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, सिमिलरली ओके, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक एंड क्रोड। ओके, सिमिलरली हम उनके प्लेस के नीचे उनकी डिजिट्स पुट करेंगे। नाउ सी द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट आप देखेंगे बेटा, अगर हम किसी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा बेटा वो सेम नंबर होगा। मीन्स यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, 1057 में जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा वही नंबर आया, 1057। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जब हम किसी नंबर में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स हम उसका प्रीडिसर फाइंड कर रहे हैं। ओके, मतलब कि हम उससे पहले का नंबर फाइंड कर रहे हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडिसर। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ, मीन्स अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हमारा जो डिफरेंस होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ओके, स्टार्ट आवर एक्सरसाइज सी ए। ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 13,25,672 टू गेट 17,56,809। सो इस क्वेश्चन में हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 4,31,137। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें थ्री नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट टू नंबर्स को हम माइनस करेंगे, देन जो हमारा आंसर आएगा उसमें थर्ड नंबर को प्लस करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 58,81,892। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, इन 2013 अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 50,39,854 ब्लड्स एंड इन 2014 इट प्रोड्यूस्ड 47,80,362 ब्लड्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री इन दीज टू ईयर्स। सो दोनों ईयर्स के जो ब्लब्स के प्रोडक्ट्स हैं, कितने उन्होंने ब्लब्स बनाए हैं उनको हम प्लस करेंगे,
सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 98,20,216। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, हमें इस नंबर में जीरो प्लस करना है। सो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ऐड की। सो किसी नंबर में हम जीरो प्लस करते हैं तो सेम हमारा नंबर आता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ स्टार्ट बी पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। यहाँ पर आपको बेटा कुछ सम्स दिए गए हैं, इनको आपको प्लस करना है। ओके, एडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्टली वंस प्लेस पे हम स्टार्ट करते हैं। सो वंस प्लेस पर हमारे क्या है, 4, 7। सो 4 and 7 प्लस करेंगे सो 11। 11 पे वंस प्लेस का 1 हमने नीचे, 11 का वंस प्लेस का 1 नीचे लिख दिया एंड 10th प्लेस पर जो 1 है वो हमने कैरी कर दिया। सो 10th प्लेस पर अब हमारे कौन से डिजिट हो गई, 1, 4, 2। सो इनको हम प्लस करेंगे सो 7। नाउ 100 प्लेस पर 5 and 3 प्लस करेंगे 8। 1000 प्लेस पर 9 plus 0, 9। 10,000 प्लेस पर 3 plus 1, 4। लैक जो है उस पर है 0 and 5। 0 में 5 प्लस करेंगे सो 5 एंड 10 लैक पर 6 plus 3 = 9। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, सिमिलरली बी पार्ट हम ऐसे करेंगे। फर्स्टली 10th प्लेस पर हम स्टार्ट करेंगे सो 8 plus 2 = 10। सो 10th के जो वंस डिजिट है वो 0 है, 0 को हम नीचे लिखेंगे एंड 10th प्लेस पर जो 1 है उसको हम कैरी कर लेंगे। सो 10th प्लेस पर अब हमारे क्या हो गए, 1, 5, 9। सो इनको हम प्लस करेंगे सो 15। सेम वंस प्लेस को हम नीचे लिखेंगे एंड 10th प्लेस का हम कैरी करेंगे। सो 100 प्लेस पर क्या हो गया, 1, 3, 7। नाउ इनको प्लस करेंगे सो 11। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी इन बुक क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। सो ए पार्ट इज हमें नंबर्स गिवन है, हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। सो वंस प्लेस पर हमारे क्या है, 6 and 3। सो 6 में से 3 लेस किया हमने सो 3 आया। 10th प्लेस पर 8 minus 6 सो 2 आ गया। 100 प्लेस पर 9 minus 5 is 4। सिमिलरली हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 1000, 10,000, lakh and 10 lakh प्लेस तक। ओके, नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्टली वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस पर हमारा 0 and 2 है, 0 में से हम 2 लेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से कैरी कर लेंगे, जो 10th प्लेस पर 2 है उससे हम बोरो करेंगे। सो बोरो करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 हो गया एंड 2 में से 1 उसको दे दिया तो 2 के पास कितना रह गया, 1। ओके, नाउ 10 में से 2 लेस करेंगे 8। नाउ 10th प्लेस पे हम देखते हैं अब 1 में से 6 लेस नहीं कर सकते। तो अगेन हम 100 प्लेस से बोरो लेंगे। सो यहाँ पर हम 1 से 1 है हमारा सो 1 उसको दे दिया 10th प्लेस पे सो 11 हो गया। नाउ 100 प्लेस पर क्या रह गया, 0। सो 10th प्लेस को हम माइनस करते हैं, 11 में से 6 लेस किया तो हमारा 5 आ गया। नाउ कम 100 प्लेस, सो 100 प्लेस पर यहाँ 0 है, 0 में से 4 लेस नहीं कर सकते तो हम 1000 से लेंगे। बट 1000 पे भी यहाँ 0 है सो हम 10,000 पे जाएंगे। 10,000 पे कितना है, 7। सो 7 में से हमने 1 बोरो कर लिया तो 6 बच गया यहाँ। एंड 1000 प्लेस पर देखेंगे आप, 0 है तो यहाँ पर 10,000 प्लेस से लिया तो यहाँ पर 10 रह गया। एंड अब हमने 1000 प्लेस से 100 को दिया है, बोरो किया है 100 ने तो 1000 प्लेस पर हमारा 9 रह गया। एंड 100 प्लेस पर क्या हो गया, हमारा 1 ले लिया उसने सो यहाँ पर हमारा 10 बन गया। ओके, सो 10 में से 4 लेस करेंगे 6 आ जाएगा। नाउ अब 1000 प्लेस पे आ जाओ, यहाँ पर हमारा 9 हो गया। ओके, नाउ 9 में से 5 लेस करेंगे 4। अब 10,000 प्लेस पर क्या है बेटा, 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते तो हम लैक प्लेस पर जो 5 है बेटा उससे हम बोरो करेंगे। सो 5 के में से एक हमने बोरो कर दिया तो यहाँ पर लैक प्लेस पर 4 रह गया। ओके, नाउ 10,000 पर क्या हो गया, 16 हो गया। ओके, नाउ 16 में से 9 लेस करेंगे सो 7 हमारा आ गया। नाउ लैक प्लेस पर आप देखेंगे अब 4 में से 3 लेस करेंगे 1। नाउ 10 लैक पर आ जाओ आप,
तो यहाँ पर 3 में से 7 हम लैक माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अगेन बोरो करेंगे क्रोड में से। सो क्रोड प्लेस पर क्या है 8, सो 8 में से 1 गया 7, ओके। सो 10 लैक प्लेस पर क्या बन गया हमारा 13, नाउ 13 में 7 लेस करेंगे 6 आ जाएगा, एंड क्रोड पे 7 है सो 7 आ जाएगा हमारा, क्योंकि इस डिजिट के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो 7 में से 0 गया 7, सो दिस इज आवर आंसर, ओके। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन 3, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। सो इन दिस क्वेश्चन व्हेन वी ऐड दीज नंबर्स, फर्स्टली वी हैव टू राइट दीज वन बिलो टू अदर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वी राइट फर्स्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट नंबर हम एज इट इज लिखेंगे, बट प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनकी प्लेसमेंट है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इनका आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड हाउ डू वी प्लेस द सेकेंड नंबर, कैसे करेंगे हम सेकेंड नंबर को, सो वी प्लेस वंस डिजिट बिलो वंस, ओके। जैसे यहाँ पर वंस डिजिट में फर्स्ट नंबर के क्या है 2, एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या है वंस डिजिट प्लेस पर 6, सो हम 2 के नीचे 6 लिखेंगे। देन टेंथ के नीचे हम टेंथ डिजिट लिखेंगे, सो 1 के नीचे 2 लिखेंगे। सिमिलरली हम प्लेसेस का ध्यान रखते हुए डिजिट्स पुट करेंगे, ओके। नाउ थर्ड जो हमारा नंबर है सेम हम ऐसे ही करेंगे, वंस के नीचे वंस डिजिट, जैसे 2, 6 के नीचे हम 4 लिखेंगे जो हमारे थर्ड नंबर का वंस प्लेस है, एंड देन टेंथ के नीचे हम 9 लिखेंगे, 100 के नीचे 3, ओके। ऐसे हम ये पूरा नंबर लिख देंगे, ओके। नाउ प्लस करेंगे बेटा, सो वंस प्लेस हम बैक साइड से प्लस करना स्टार्ट करते हैं ना, सो 2 + 6 + 4 इज 12, सो 12 के वंस डिजिट 2 है सो वो नीचे लिख देंगे, एंड 1 हम कैरी करेंगे। देन टेंथ प्लेस को हम प्लस करेंगे, 1 + 1 + 2 + 9 इज 13, अगेन 3 हमारा नीचे आएगा एंड 1 कैरी करेंगे, देन 1 + 4 + 4 + 3 इज 12, सो ऐसे हम इनको प्लस कर देंगे, ओके। नाउ यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट। बुक में आप देखेंगे आपको दिया हुआ है ए पार्ट, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था बेटा, फर्स्टली हम उनको अरेंज करेंगे कॉलम्स में। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू राइट दीज वन बिलो टू अदर, ओके। सो फर्स्ट वी राइट फर्स्ट नंबर एज इट इज, एंड अदर नंबर हम क्या करेंगे प्लेसेस का ध्यान रखते हुए उसके नीचे पुट करते जाएंगे। जैसे वंस प्लेस की फर्स्ट नंबर की डिजिट क्या है 5, एंड जो हम सेकंड प्लेस पुट कर रहे हैं बेटा उसकी वंस प्लेस की डिजिट क्या है 0, सो हम 5 के नीचे 0 पुट करेंगे, ओके। नाउ टेंथ प्लेस में 2 है, 2 के नीचे हम अदर नंबर की जो डिजिट है टेंथ प्लेस की वो क्या है 5, सो हम 5 पुट करेंगे। ऐसे ही हम प्लेसेस का ध्यान रखते हुए डिजिट्स को पुट कर देंगे, ओके। नाउ अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो बैक साइड से हम स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से, सो 5 में से 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आंसर इज 5। नाउ नेक्स्ट टेंस आप देखेंगे 2 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, बट हम 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे हंड्रेड प्लेस पर जो डिजिट होगी उससे हम 1 बोरो कर लेंगे। सो यहाँ पर 3 में से 1 हमने बोरो किया तो यहाँ पर 2 रह गया, एंड टेंथ प्लेस पर क्या हो गया हमारा 2 की जगह 12 हो गया, ओके। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 12 में से 5, सो 7 हमारा आ जाएगा। नाउ 100 प्लेस पर 2 है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 0। नाउ 1000 प्लेस पर आ जाओ बेटा, अब 1 में से 5 हम लेस नहीं कर सकते, तो 10,000 प्लेस पर जो हमारा 3 है हम उससे 1 बोरो करेंगे, सो यहाँ पर 2 रह जाएगा, एंड 1000 प्लेस पर क्या बन जाएगा 11, ओके। नाउ 11 में से 5 लेस करेंगे सो 6। नाउ 10,000 प्लेस पर आप देखेंगे अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, एंड लैक प्लेस पर हमारा 6 है, 6 में से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है बट हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे सेम स्टेप, 10 लैक प्लेस पर जो हमारा 7 है उससे 1 बोरो करेंगे, सो यहाँ हमारा 6 रह जाएगा,
एंड लैग प्लेस पर जो हमारा 6 है वो हमारा 16 हो गया. ओके नाउ 16 में से 8 लेस करेंगे 8 एंड 10 लैग प्लेस पर 6 है, 6 में से 4 लेस करेंगे सो 2 हमारा आंसर आ जाएगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सी इन योर बुक फाइंड द मिसिंग डिजिट. ओके यहाँ पर आपको 3 सम दिए हुए हैं एंड कुछ जो नंबर्स है वो मिसिंग है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ए पार्ट आप देखेंगे 98450 में लेस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है. बॉक्स बना हुआ है देन 2, अगेन बॉक्स बना हुआ है 1 4 एंड आंसर इज गिवन 6 बॉक्स 836. सो हमें यहाँ बॉक्स फिल करना है. सो अब देखेंगे यहाँ पर 0 में से 4 लेस नहीं कर सकते तो हम जो हमारी 10th प्लेस पर डिजिट होगी उससे 1 बोरो करेंगे. सो 5 में से 1 ले लिया तो यहाँ पर 4 बच गया एंड 1th प्लेस पर क्या हो गया हमारा 10. सो 10 में से 4 लेस करेंगे 6. ओके नाउ 4 में से 1 लेस किया 3. नाउ 4 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा 8 आए. सो यहाँ पर हमारी बड़ी 4 से ज़्यादा डिजिट आएगी तो यहाँ पर हमें 14 बनाना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से 1 बोरो करना पड़ेगा. सो 8 के पास 7 रह जाएंगे. ओके नाउ 14 में से हम क्या लेस करें कि 8 हमारा आंसर आ जाए बेटा, तो 6 होगा. 14 में 6 लेस करेंगे तो 8 आया. सो यहाँ हम बॉक्स में फिल करेंगे 6. ओके नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे 7 में 2 लेस करेंगे हमारा क्या आएगा 5. सो यहाँ पर बॉक्स में हम 5 पुट करेंगे. नाउ लास्ट आपकी डिजिट है 9 माइनस 9 में क्या माइनस करें कि 6 हमारा आ जाए आंसर. सो 9 माइनस 3 इज 6. ओके सो इस बॉक्स में हम 3 पुट करेंगे. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी एंड सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सी इन योर बुक सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. इसमें बेटा हमें 3 नंबर्स गिवन है तो फर्स्ट 2 नंबर्स हमें प्लस करने हैं एंड थर्ड नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो फर्स्टली हम इनको प्लस करेंगे फर्स्ट 2 नंबर्स को. तो इनको हम कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 1th प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10th के नीचे 10, 100 के नीचे 100 एंड सो ऑन. ओके नाउ इनको हम प्लस करेंगे सो हमारा आंसर क्या आया बेटा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 46,80,510 इज आवर आंसर. प्लस करने पर हमारा आया. देन हमें थर्ड नंबर जो गिवन है बेटा उसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो हमारा जो आंसर आया है प्लस करने के बाद उसको हम ऊपर लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 13,05,167 से. सो सेम हम बैक साइड से 1th प्लेस से स्टार्ट करते हैं. सो 0 में से 7 लेस नहीं कर सकते तो हम 10 में हमने 1 बोरो कर लिया. सो 10 हमारा बन गया. 10 में से 7 लेस करेंगे 3. ऐसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा सो हमारा आंसर आ जाएगा 33,75,343. ओके नाउ डी पार्ट देखेंगे बेटा आप अपनी बुक में. देखो 6 क्वेश्चन का डी पार्ट, यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए गए हैं. ओके 2 के सामने आपको माइनस का साइन गिवन है एंड 2 के सामने प्लस का. मीन्स जो फर्स्ट नंबर होता है उसके सामने अगर कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स दिस नंबर इज प्लस साइन नंबर. ओके सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट नंबर्स है बेटा उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके सो यहाँ पर हमने फर्स्टली फर्स्ट नंबर लिखा है एंड देन माइनस 12,36,045 लिखा है. बट आपको ये ध्यान रखना है बेटा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 1th प्लेस के नीचे 1th प्लेस लिखना है, 10th के नीचे 10th प्लेस. आप बैक साइड से लिखेंगे तो आपका रिटर्न में कभी भी गलत नहीं होगा. ओके सो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 6,05,205. ओके नाउ जो हमारा थर्ड नंबर है बेटा 6,89,510 उसको हमें प्लस करना है. ओके सो हम सेम उसके नीचे जो हमारा आंसर आया था उसके नीचे हम अपना थर्ड नंबर लिखेंगे एंड प्लस करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 12,94,715. नाउ जो हमारा लास्ट डिजिट है बेटा लास्ट जो हमारा नंबर है 45,720. सो इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो जो हमारा पहले आंसर आया था 12,94,715 उसके नीचे हम लिखेंगे 45,720. सो सेम
लिखने के समय हमें वंस डिजिट, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड एंड सो ऑन डिजिट्स का ध्यान में रखना होगा. ओके, नाउ इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 12,48,995. ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी एंड डी पार्ट ऑफ द बी एंड सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, योर बुक द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्टेड रुपीज 8,03,06,754 इन द फर्स्ट हाफ ईयर एंड रुपीज 1,59,85,630 इन द सेकेंड हाफ ईयर एज टैक्स. वट वॉज द टोटल टैक्स कलेक्शन फॉर द होल ईयर? सो फर्स्टली वी राइट डाउन द स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट कलेक्टेड इन फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल टू रुपीज 8,03,06,754 एंड सेकेंड हाफ में कितने कलेक्ट किए हैं? रुपीज 1,59,85,630. नाउ हमें फाइंड करना है टोटल टैक्स कलेक्शन फॉर द होल ईयर. सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का को हम प्लस कर देंगे. ओके, सो इनको हम कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट, टेंस के नीचे टेंस डिजिट एंड सो ऑन, देन प्लस करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा रुपीज 9,62,92,384. ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन योर बुक अ कंपनी स्पेंट रुपीज 3,72,355 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड रुपीज 10,85,425 on employee welfare. How much money did the company spend on both the heads? दोनों चीज़ों के लिए कंपनी ने कितने रुपए खर्च करे हैं हमें ये फाइंड करना है. सो फर्स्टली वी राइट अ कंपनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू दिस रुपीज एंड अ कंपनी स्पेंड ऑन एम्प्लॉयज वेलफेयर इक्वल टू दिस रुपीज. ओके, नाउ कंपनी स्पेंड ऑन बोथ द हेड, सो इनको हम प्लस कर देंगे. सो प्लस करने पर हमारा आंसर आया बेटा, यू सीन द स्क्रीन, आंसर इज 14,57,780 रुपीज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. सीनियर वुड मैरी टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 57 लाख फ्रॉम देना बैंक टू बाय अ हाउस. इफ शी हैज टू पे रुपीज 3,21,000 हर ऑन पॉकेट, हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट? आपको बताना है कि उसने कितने में घर खरीदा था, हाउस की कॉस्ट फाइंड करनी है. सो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैरी टेक्स अ लोन, कितने रुपए उसने लोन लिया है? 57 लाख. ओके, एंड शी पे ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट से उसने कितना पे किया है? रुपीज 3,21,000. ओके, सो इनको हम प्लस कर देंगे. उसने टोटल कॉस्ट कितनी ली है हाउस की, कितनी दी है टोटल कॉस्ट? सो 57 लाख को 3,21,000 से प्लस कर देंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा रुपीज 60,21,000. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5,94,62,300 टू मेक इट इक्वल टू 7 करोड़? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 7 करोड़ में से 5,94,62,300 को लैस कर देंगे. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 1,05,37,700. ओके, नाउ चिल्ड्रन योर एक्सरसाइज इज ओवर, योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स.